बताया जैसे हमने ये होल व्हीट ग्रेन को थ्रीज में डिवाइड किया है, पान, जर्म्स एंड एंडोस्पर्म, समझ में आया। तो ये जो हार्ड व्हीट फ्लार है वो होल ग्रेन का बना हुआ है। होल ग्रेन मतलब उसमें तीनों चीज आएगी, उसमें पान भी आएगा, जर्म भी आएगा एंड एंडोस्पर्म भी आएगा। इसीलिए वो कैसा होगा, हाई प्रोटीन कंटेंट एंड हाई फाइबर कंटेंट, सबसे ज्यादा फाइबर उसमें होगा। और सॉफ्ट व्हीट फ्लार किससे बना है, सिर्फ एंडोस्पर्म से, ओनली एंडोस्पर्म, समझ में आया। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये हाई फाइबर है, हाई प्रोटीन कंटेंट है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट व्हीट फ्लार। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लार देखेंगे। हमने टू टाइप्स के फ्लार देखे, हार्ड व्हीट फ्लार एंड सॉफ्ट व्हीट फ्लार। सी गाइस, हार्ड व्हीट फ्लार सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट करेगा क्योंकि वो तीनों चीजों से मिलके बना है, होल ग्रेन से मिलके बना है। और यहाँ पे देखो सॉफ्ट व्हीट फ्लार लो प्रोटीन कंटेंट क्योंकि ये सिर्फ एंडोस्पर्म का बना है। नाउ सेकेंड पॉइंट, हाई ग्लूटेन कंटेंट। जैसा हम लोगों ने देखा ये सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट है, सबसे ज्यादा फाइबर कंटेंट है। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला हार्ड व्हीट फ्लार कोरस एंड ग्रेन्युलर फॉर्म में होगा, इसीलिए ये सबसे ज्यादा ग्लूटेन कंटेंट होगा, समझ में आया, एज कम्पेयर टू सॉफ्ट व्हीट फ्लार। अभी यहाँ पे देखो सॉफ्ट व्हीट फ्लार लेस ग्लूटेन कंटेंट क्योंकि ये कौन से फॉर्म में है, पाउडर्ड फॉर्म में है, समझ में आया, वो फ्लार फ्लार के फॉर्म में है। नेक्स्ट देखो एब्जॉर्ब मोर लिक्विड, जैसे मैंने तुम लोगों को कुशन का एग्जाम्पल दिया, अगर मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके कुशन रखी है और एक साइड में बड़े बड़े टुकड़े करके रखी है, तो कौन सी ज्यादा वॉटर एब्जॉर्ब करेगा, बिगर वन और स्मॉलर वन? बिगर वन ज्यादा वॉटर एब्जॉर्ब करेगा। तो सेम यहाँ पे होगा, जो ग्रेन्यूल फॉर्म में होगा वो ज्यादा वॉटर एब्जॉर्ब करेगा, जो फ्लावर के फॉर्म में होगा वो क्या करेगा, कम वॉटर एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट, कोरस एंड ग्रेन्यूलर, कौन से फॉर्म में होगा, ग्रेन्यूलर, जो हम फील कर सकते हैं कि वो ग्रेन्यूल फॉर्म में है। सेम लाइक आर शुगर, हमारी शुगर ग्रेन्यूल फॉर्म में होती है, राइट। तो सेम हमारा जो हार्ड व्हीट फ्लावर होगा वो ग्रेन्यूलर फॉर्म में होगा। यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट, फील सॉफ्ट एंड स्मूथ, ये कौन से फॉर्म में होगा, सॉफ्ट एंड स्मूथ। नेक्स्ट देखो ऑल्सो कॉल्ड ऑल पर्पज फ्लावर, हार्ड व्हीट फ्लावर को हम लोग ऑल पर्पज फ्लावर भी बोलते हैं। हम लोगों को ब्रेड बनाने के लिए ऐसा डो, ऐसा फ्लावर लगता है जो सबसे ज्यादा ग्लूटेन कंटेंट होगा, राइट। तो हम हमेशा ब्रेड बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, हार्ड व्हीट फ्लावर, ओके। और यहाँ पे देखो सॉफ्ट व्हीट फ्लावर में ऑल्सो कॉल्ड जनरल पर्पज फ्लावर यूज फॉर बिस्किट्स एंड केक्स, हमेशा याद रखो बिस्किट एंड केक बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट व्हीट फ्लावर यूज करेंगे, लो ग्लूटेन कंटेंट, ओके। तो हम लोगों ने आज देखा टाइप्स ऑफ फ्लावर एंड हार्ड व्हीट फ्लावर और सॉफ्ट व्हीट फ्लावर। अभी हम लोग देखेंगे कौन सी चीज के लिए कौन सा फ्लावर यूज होने वाला है। जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है होल व्हीट फ्लावर किसका बना होगा, होल व्हीट ग्रेन का, है ना। होल व्हीट बेरी जो होती है फुल ग्रेन, उसका होल व्हीट फ्लावर बना होगा। हम अभी उसके यूजेस देखेंगे कि वो किस किस लिए यूज होता है। सी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूज फॉर, हमारे जितने भी चपातीज होती है, बेकरी में ब्रेड्स होते हैं, वो सारी चीजों के लिए हम लोग होल व्हीट फ्लावर यूज करेंगे। जैसे कि हमारी ब्रेड हो गई, ब्रेड में बहुत सारी व्हाइट ब्रेड होती है, ब्राउन ब्रेड होती है, मल्टीग्रेन ब्रेड होती है, जितनी भी ब्रेड्स है वो हम लोग होल व्हीट फ्लावर, जिसको हमने क्या बोला है, हार्ड व्हीट फ्लावर भी बोला है, समझ में आया। प्लीज राइट डाउन यूजेस, यूजेस उसमें लिखते जाओ कि किसके लिए यूज होने वाला है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको पता होना चाहिए कौन से फ्लावर का क्या यूज है, किस पर्पज के लिए वो यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हमने होल व्हीट फ्लावर देखा, सेकेंड हम लोग देखेंगे ब्रेड फ्लावर। ब्रेड फ्लावर,
ब्रेड फ्लावर नाम से ही समझ में आ रहा है, जितने भी ब्रेड आइटम्स होंगे उन सारी चीजों के लिए हम लोग ब्रेड फ्लावर यूज करेंगे। होल व्हीट फ्लावर हम लोग ब्रेड के लिए यूज कर सकते हैं और सेम हम लोग ब्रेड फ्लावर भी ब्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। इट विल कम अंडर हार्ड व्हीट फ्लावर, समझ में आया? ना सॉफ्ट होगा ना हार्ड होगा, वो बीच का होगा जो ग्रेन्यूल फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑल पर्पज फ्लावर। जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑल पर्पज फ्लावर यानी हम सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक इंडियन चपातीज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, केक्स बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, बिस्किट्स एंड कुकीज बनाने के लिए, है ना, केक्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए ऑल पर्पज फ्लावर है ये। मतलब हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास होल व्हीट फ्लावर नहीं है तो मैं छोड़ दूंगी, ब्रेड फ्लावर नहीं है तो मैं छोड़ दूंगी, मैं उसकी जगह पे क्या यूज करूंगी? ऑल पर्पज फ्लावर, जो हम सबके घर में अवेलेबल होता है। समझ में आ रहा है? हम सबके घर में ऑल पर्पज फ्लावर होता है, राइट, जिसको हम लोग मैदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैदा। समझ में आया? जिसको हम व्हाइट व्हीट फ्लावर बोलते हैं, जिसको मैदा बोलते हैं, जो ऑल पर्पज फ्लावर है, हर चीज हम उससे बना सकते हैं। नेक्स्ट इज केक फ्लावर। राइट डाउन फोर्थ नंबर, केक फ्लावर। अभी तक हमने ये जो फ्लावर देखे ये सब हार्ड व्हीट फ्लावर थे, लेकिन जो केक फ्लावर है वो कौन सा है? सॉफ्ट व्हीट फ्लावर। राइट डाउन देयर, सॉफ्ट व्हीट फ्लावर। सॉफ्ट व्हीट फ्लावर क्यों केक फ्लावर सॉफ्ट व्हीट फ्लावर है? क्योंकि केक बनाने के लिए हमको ज्यादा ग्लूटेन कंटेंट नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग केक बनाने के लिए हमेशा सॉफ्ट व्हीट फ्लावर यूज करते हैं। हम लोगों ने देखा था, डिफरेंस देखा था हार्ड व्हीट में और सॉफ्ट व्हीट में, उसमें सबसे नीचे लिखा हुआ था यूज फॉर केक्स एंड बिस्किट्स। तो सेम यहाँ पे केक फ्लावर सॉफ्ट व्हीट फ्लावर होगा, जो लो ग्लूटेन कंटेंट होगा एज कम्पेयर टू अदर फ्लावर्स। अदर फ्लावर्स यानी होल व्हीट फ्लावर हो गया, ब्रेड फ्लावर हो गया, इन सबसे लो ग्लूटेन, लेस ग्लूटेन कंटेंट सॉफ्ट व्हीट अपने केक फ्लावर में होगा। ओके, नेक्स्ट लिखो सेल्फ रेजिंग फ्लावर। सेल्फ रेजिंग फ्लावर हम सबके घर पे सेल्फ रेजिंग फ्लावर भी मिलता है, जैसे गेहूं का आटा जो हम लोग हर चीज के लिए यूज करते हैं। अगर मेरे घर में मैदा नहीं है तो मैं क्या यूज करूंगी? सेल्फ रेजिंग फ्लावर मींस सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट, इसके अंदर सॉफ्ट रेजिंग फ्लावर के अंदर आएगा, जो हम लोग हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिस्किट्स, कुकीज, मम्मी लोग घर पे अगर बिस्किट बनाती है तो उनको पता नहीं होता है क्या यूज करना है, तो वो लोग सेल्फ रेजिंग फ्लावर, जो हमारे घर का आटा होता है, वो लोग वही यूज कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर केक फ्लावर है तो केक के लिए केक फ्लावर ही यूज करना चाहिए, राइट। हम लोग सेल्फ रेजिंग फ्लावर भी यूज कर सकते हैं, जो लो ग्लूटेन कंटेंट है, इसमें भी इतना ग्लूटेन नहीं होता है, ठीक है, जैसे होल व्हीट ग्रेन में होता है, राइट। नेक्स्ट लिखो पेस्ट्री फ्लावर। पेस्ट्री फ्लावर नाम से ही समझ में आ रहा है, किस लिए यूज होगा? फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्रीज, सारे पेस्ट्रीज बनाने के लिए हम लोग पेस्ट्री फ्लावर यूज करेंगे। नेक्स्ट इज सेमोलिना। सेमोलिना आप लोगों को पता है सेमोलिना यानी क्या होता है? क्या होता है? वेरी गुड, रवा। सबने रवा देखा है? सूजी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, रवा और सूजी कैसी होती है? वो किससे बनी हुई है? वीट से ही बनी हुई है। जो अपना वीट कर्नल है, गेहूं है, वो उसी का बना हुआ है। जो ग्रेन्यूल फॉर्म जब मशीन से हम निकालते हैं तो एक साइड में हमको सूजी भी मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमोलिना। तो सेमोलिना का यूज भी हम केक्स, काफी लोग होते हैं जो सेमोलिना का यूज बिस्किट्स एंड केक्स बनाने के लिए करते हैं। मैक्रोन्स बनते हैं, छोटे छोटे मैक्रोन्स, जिसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, किसके साथ? मिक्स करते हैं फ्लावर के साथ। समझ में आया? जो हमारा ऑल पर्पज फ्लावर है, जिसको मैदा बोलते हैं, उसके साथ सेमोलिना को मिक्स करके और जो भी मैक्रोन हम बना
बना रहे हैं उसके साथ ऐड करके मिक्स करके बटर के साथ मिक्स करके हम क्या करते हैं मैक्रून्स और ये सब बना सकते हैं। समझ में आया, ये बहुत सारी चीजों में बेकरी में यूज किया जाता है। तो हमने अभी टाइप्स ऑफ फ्लावर एंड उसके यूजेस देखे कि कौन सा फ्लावर किसके लिए यूजफुल है। समझ में आया, अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ शुगर।